तो कल के दिन यानी कि अगस्त 21 को यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने इंडिया का पहला इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस अनवील किया है, जिसे कि CSIR और KPIT लिमिटेड ने बनाया है। इस हाइड्रोजन बस को पुणे में चलाया जाएगा। जितेंद्र सिंह जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस हाइड्रोजन बस के रिगार्डिंग एक छोटी सी फुटेज भी शेयर की है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक डीजल बस ऑन एन एवरेज साल भर में लगभग 100 टन्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस करता है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 12 से 14% CO2 इमिशन इन हैवी व्हीकल्स के कारण ही होता है। अगर किसी तरीके से इन हैवी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक या फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स में चेंज कर दिया जाए तो CO2 इमिशंस के मामले में हमें ड्रास्टिकली चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। प्लस हाइड्रोजन बसेस का रनिंग कॉस्ट भी डीजल बसेस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर इस बस को एक इलेक्ट्रिक बस से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हाइड्रोजन बस को बहुत जल्दी चार्ज या फिर रिफ्यूल किया जा सकता है। वहीं इलेक्ट्रिक बस में इतनी बड़ी बड़ी बैटरीज होती हैं जिन्हें चार्ज करने में लंबा टाइम लगता है।